बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोज़े साफ़ी आज़ाद। मेरा नाम डॉक्टर अहमद वली है। मेरा ताल्लुक महकमा सेहत बलोचिस्तान के जनरल केडर्स के डॉक्टरों के साथ है। मेरे साथ इस वक्त जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा जनरल केडर डॉक्टर्स महकमा सेहत के मोस्ट सीनियर तरीन डॉक्टर जमाली साहब हैं, जो कि 20 ग्रेड के ऑफिसर हैं। डॉक्टर रशीद नासर साहब हैं, वो 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं। डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब हैं, वो 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं। डॉक्टर कादिर रानी साहब हैं, वो भी 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं। डॉक्टर रशीद जमाली साहब हमारे 20 ग्रेड के जनरल केडर के डॉक्टर हैं। डॉक्टर शहजमान मरी साहब हैं, हमारे 19 ग्रेड के जनरल केडर के डॉक्टर हैं। डॉक्टर सैद अमान आगा हैं, ये भी जनरल केडर के 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं। हमारे साथ बाकी जो डॉक्टर साहब आपके साथ बैठे हैं नीचे, और मैं डॉक्टर नसरुल्लाह लांगो साहब हैं, वो 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं। डॉक्टर रफीक मैंगल साहब हैं, वो 19 ग्रेड के जनरल केडर के डॉक्टर हैं। डॉक्टर नसीम साहब हमारे 19 ग्रेड के जनरल केडर के डॉक्टर हैं। डॉक्टर सैद मुजफ्फर शाह साहब भी बैठे हुए हैं, ये भी हमारे जनरल केडर के 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा आपके साथ वक्ता फोकता मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर रबता होता है, लेकिन महकमा सेहत में कुछ अरसे से मुख्तलिफ किस्म के वाकयात और हादसात और प्रमोशन और इससे लेके सोशल मीडिया और कुछ दूसरी चीज़ों पे बातें चली आ रही हैं, तो हमने ये मुनासिब समझा कि अपने आवाम को, मीडिया के पर्सनल को और अपने कुछ ऐसे मुतबरीन या आला हुकाम जो जिनके साथ हमारा रबता वक्तन फ़ौक्तन हर वक्त नहीं हो सकता, उन तक हम अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। तो आज के महकमा सेहत में गुज़िश्ता 10 से 15 सालों में पेश आने वाले गैर कानूनी वाकयात, स्कैंडल्स और इनकी चंद बुनियादी वजूहत की बुनियादी वजह, जो ये स्कैंडल्स बन रहे हैं, जो चीज़ें बन रही हैं, इनकी इनके पीछे है क्या, मसला क्या है, तवज्जो मरकूज कराने और अक्कासी करेगा। आपके सामने इस वक्त महकमा सेहत के जनरल केडर से ताल्लुक रखने वाले सीनियर तरीन डॉक्टर साहिबान तशरीफ फरमा हैं। ये डॉक्टर साहिबान जो कई दहाइयों से सूबे के दूर दराज इलाकों में मरीजों का इलाज मालजे को मुमकिन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव इकदाम करते आ रहे हैं। इनमें कई बैन अवी सतह के तजर्बाकार और क्वालिफाइड डॉक्टर शामिल हैं। मैं वाजह करते चलूँ कि सूबे भर में आ रहे हैं। इसके बरक्स सूबाई सतह पर एक मखसूस लाबी पिछले कई सालों से इंतजामी अमूर पर काबिज हैं, और ये मखसूस लाबी जिलाई इंतजामी पोस्टों पर जाने से कतराते हैं। उनका मुकम्मल तवज्जो बलोचिस्तान के सूबाई दारुलहुकूमत क्वेटा और क्वेटा में जो मखसूस कुछ पोस्टें हैं उनकी तरफ मरकूज हैं। इसका मैं आपको डिटेल देता जाऊंगा। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारों में भर्तियाँ और तैनातियाँ 1973 के आइन के तनाजर में बनाए गए सिविल सर्वेंट एक्ट और उसके तहत बनाए गए सर्विस रूल्स की रोशनी में किए जाते हैं। महकमा सेहत बलोचिस्तान में भी सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 की बुनियादी असूलों और इसमें मौजूद शिक नंबर 25 बराए तरामीम के तहत बनाए गए 1984 के सर्विस रूल्स के तहत होती आ रही है। यहाँ ये अमल काबिल जिक्र और गौर है कि 2001 में महकमा सेहत बलोचिस्तान के 1984 के सर्विस रूल्स में चंद मखसूस अफराद की महदूद सोच, साथी मफाद और तजावीज के तहत मतनाजा तरमीम की गई, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर शामिल नहीं थे, जिसमें बलोचिस्तान सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 के बुनियादी शिक नंबर 25 के जिली शिक नंबर 8 पर आइन के मुताबिक कतई तौर पर ख्याल नहीं रखा गया। उस वक्त के पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल PMDC के असूलों से मुतसादम डिग्री को बुनियाद बनाकर एक मुतनाजा मैनेजमेंट केडर को तश्कील दिया गया, जो पाकिस्तान के किसी भी दूसरे सूबे में वजूद ना उस वक्त रखता था ना आज रखता है। इस तश्कील से ना सिर्फ कई डॉक्टरों की हकीकी पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे एक डॉक्टर अपना कोर्स मुकम्मल करके सर्विस में आता है, की सीनियरिटी को पूरी तरह मुतासर किया, बल्कि जनरल केडर के सीनियर और तजर्बाकार डॉक्टरों के हकूक पर डाका डाला गया। इस नाजायज और खिलाफ कानून केडर की तश्कील और 1974 की सर्विस रूल्स चंद मकसूद अफराद को नवाजने के लिए खिलाफ कानून मन पसंद तरामीम के बाद HMC रूल 2001 के नाम से मुतारिफ कराए गए, जिसके बाद HMC से हेल्थ मैनेजमेंट केडर बनता है, जिसके बाद महकमा सेहत बलोचिस्तान में जनरल केडर के डॉक्टरों, जो कि तादाद में 5000 से भी ज्यादा है,
और मोहतरम आजम मैनेजमेंट कैडर के डॉक्टरों जो उस वक्त डिग्री होल्डर सिर्फ 25 से 30 लोग थे, लेकिन जायज और नाजायज डिप्लोमास डिग्रीज और मुतनाजा जो उनके पास क्वालिफिकेशंस थी उसको इस इंडक्शन के प्रोसेस में शामिल करके इस कैडर को बनाने की कोशिश की गई। और इसकी वजह से डॉक्टरों के दरमियान मुख्तलिफ फोरम्स जिसमें अदालतों के रूबरू इंफरादी और इज्तिमाई कानूनी चाराजोई शुरू हो गई जो ताहर जारी है और इल्तवा का शिकार भी है। इसी दौरान मामलात को सुलझाने और तमाम डॉक्टरों के तहफ्फुज़ के बजाय 2009 और 10 में इंडक्शन के नाम पर एक और गैर कानूनी इकदाम किया गया जिसमें बजात खुद तालीमी असनाद और उनके असूल से मुतलक कई गैर कानूनी इकदाम और तहफ्फुज़ात पोशीदा हैं, वो वक्त आने पर हम सारी दुनिया के सामने रखेंगे। जिस मुनासिब वक्त और फोरम पर सामने लाया जाएगा एजेंसी रूल 2001 के बाद सियासी और ज़ाती असर उसूल की बुनियाद पर इनफरादी मफादात ख्वाहिशात और बदनीयती पर मुनसर कई जरामीन भी की गई जो न सिर्फ जनरल के डॉक्टर बल्कि कानूनी तौर पर हासिल किए गए डिग्रियों और कमीशन इम्तहान पास करने वाले मेहनती डॉक्टरों के साथ भी नाइंसाफी है। कैडर की तश्कील के वक्त सूबों को कैडर बनाने के इख्तियार में नहीं आते थे। 2001 और 9 में जब ये तरामीम की गई उस वक्त 18 अमेंडमेंट नहीं था जो 2011-12 में हुआ है, तो ये कैडर चेंज करने के जो मुकम्मल इख्तियार थे वो फेडरल गवर्नमेंट के पास थे, सूबे के गवर्नमेंट के पास नहीं थे। मगर इस गैर कानूनी अमल को चंद मखसूस अफराद को नवाजने के लिए किया गया जिसमें न सिर्फ मैरिज की पैमानी और सीनियरिटी को पूरी तरह नुकसान पहुंचाया गया बल्कि गैर मुस्तनद नामुकम्मल और गैर कानूनी तौर पर हासिल करदा डिग्रियों और डिप्लोमा को जायज करार देते हुए इंडक्शन में शामिल किया गया। इस जमन में बलोचिस्तान सर्विस ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट ऑफ बलोचिस्तान और अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 जून 2017 को तमाम मुतलकीन या स्टेक होल्डर्स को मद्देनजर रखते हुए मुतनाजा सर्विस रूल 2001 और इसके बाद किए गए तरामीम का तफसीली जायजा लेने और इसमें इस अमल की तस्दीक करने के वाज़ेह अहकाम जारी कर चुका है कि इन तरामीम को तरतीब देने के दौरान बलूचिस्तान सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 की शिकायत के अजाले की बजाय तारीखी अरबे की हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाता रहा और जारी है जिसकी वजह से पिछले 2 दहाइयों से महकमे हैसियत तबाही के जहानी पे आकर खड़ा हो गया है। बलूचिस्तान सर्विस ट्रिब्यूनल में जेरे समाज केसों में इस मुतनाजा कैडर और रूल्स की रोशनी में कई काबिल और तजर्बाकार सीनियर डॉक्टर्स को पसंद और नापसंद की बुनियाद पर सियासी इंतकाम का सामना करना पड़ रहा है जो सरासर नाइंसाफी है। अगर किसी कानून का इतलाक करना है तो सब पर किया जाए ना कि पसंद और नापसंद की बुनियाद पर। हम जनरल कैडर डॉक्टर्स वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान आलियानी साहब चीफ सेक्रेटरी साहब बलूचिस्तान पार्लिमानी सेक्रेटरी महकमा सेहत मैडम रुबाबा साहबा सेक्रेटरी सेहत नूरुल्लाह बलोच साहब सेक्रेटरी SNJD और सेक्रेटरी कानून से महकमा सेहत बलूचिस्तान में कैडर से मुतलिक 2017 के अदालती अहकाम पर आमद दरामद 2001 में तश्कील शुदा गैर कानूनी मतनाजा मैनेजमेंट के कैडर के खात्मे 2009 और 10 के गैर कानूनी इंडक्शन को फौरी तौर पर ख़त्म करने पब्लिक सर्विस कमीशन की सीनियरिटी को बहाल करने कैडर्स की तश्कील और इंडक्शन से मुतलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जून 2017 के तासुरात में 1984 और 2001 के सर्विस रूल्स को मद्देनजर न रखने के हवाला जात और जनरल कैडर डॉक्टरों के हकीकी फरहमी की फौरी इकाम जारी करने के लिए दरख्वास्त करते हैं। आप लोगों के सामने आने से पहले हम बाकायदा तौर तमाम डॉक्टर्स एक डिपार्टमेंटल अपील की शक्ल में महकमा सेहत सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस में गए, हम उनके मशकूर हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया हमें सुना लेकिन उन्होंने डिपार्टमेंटल अपील लेने से इनकार कर दिया कि तुर प्रॉपर चैनल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जमा होगा और उसके बाद हमारे पास आएगा और हम उसको CM सेक्रेटरी भिजवा देंगे। हमने उनके साथ ये सारे हमारे तहफ़ात सामने रखे उसके बाद हम एक रैली की शक्ल में पुरामन तौर पे जमहूरी तरीके कानून के तरीकों के मुताबिक बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के हम चीफ सेक्रेटरी ऑफिस गए, वहाँ पे हमने अपने डिपार्टमेंटल अपील जमा करवा दिए, हमने उनसे रिसीविंग ले ली,
हम उम्मीद करते हैं कि आला हुकाम कानूनी माहिरीन तजर्बाकार अफिसर गैर जानबदारों और जानबदार अफिसरों के एक कमेटी तश्कील देंगे और हमारे अपील पे गौर करेंगे और उसकी रोशनी में हमें इंसाफ दिलाएंगे। आखिर में जनरल के डॉक्टरों के हकूक का हर फोरम पर भरपूर दिफा करने के असर के साथ बामी मुशावरत से मरहलावार हुकूमत वक्त महकमा सेहत सियासी अहदेदारान दीगर डॉक्टर तंजीमों तमाम अदालतों से रजू और बवक्त ज़रूरत एहतजाजी तहरीक बशमूल मुजाहरे करने और भूख हड़ताल करने का ऐलान करता हूँ। इस सिलसिले में सूबाई सतह पर वर्किंग कमेटी बनाई गई है जो वक्तन फ़ौरतन आपसे रबते में रहेगी और आपको आगे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।